आपका नाम क्या बच्चे? नाम नाम अदिल। आपका? दिलीप। आपका बच्चे? मनीषा। आपका? हेलो एंड वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो दोस्तों आप सबका स्वागत करते हैं फिर से हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने। तो ये देख सकते हो गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे थे। आपका नाम? अजय। अजय हाथ में दिखाओ क्या है? कंचे। कंचे कंचे खेल रहे थे। चांद भाई और वजीर भाई जो आगे खड़े हैं उनको भी उठाएंगे, वो थोड़ा सा आगे हैं। तो फ्रेंड जिसके पास हम जाने वाले थे ना उसको बहुत इंतजार करवाया हम लोगों ने, बोला तो 9 बजे आपके पास पहुंच जाएंगे और अभी टाइम तकरीबन 3 हो चुके हैं ना। तीन बज चुके हैं। तो इन लोगों ने देर करवाई है, ये चांद भाई ने और वजीर भाई ने। इन लोगों के मेहमान आ गए थे, हम लोग तो पहले रेडी थे। मैं तो सुबह से रेडी होके बैठा था, 11 बजे का। बिल्कुल भाई भी रेडी था, मैं भी। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि हम सुबह सुबह उठेंगे और चले जाएंगे भाई के पास। उसको हमने बोला और उसने ना मॉर्निंग में खाना बनवा के रखा। अभी 3 बज गए हैं तो अब देखते हैं क्या होता है। बहुत गुस्सा कर रहा है उसने मुझे ना 24 कॉल्स की। तो सामने तो अभी जैसे पहुंचेंगे फिर आप लोगों को वहां का व्यू दिखाएंगे। ये है थली चौक, थली रोड, और इसको और भी कहते हैं ना थलवाड़ी। थलवाड़ी भी कहते हैं, थली चौक भी कह सकते हो और थलवाड़ी भी कह सकते हो। अभी थलवाड़ी कहेंगे। तो आप सुनाओ चांद भाई लेट क्यों हुआ? यार मैं सोया हुआ था और मुझे इन्होंने इनकी मेहरबानी उठा के लेके आए घर से। अच्छा तो वजीर भाई आई है भाई, सारी मेहमान आए थे इसीलिए घर में हम लेट हो गए। ठीक है अच्छा अच्छा चलो कोई ना, आप बस पहुंच जाएंगे। मेहमान की वजह से लेट हो गए, मेहमानों की वजह से लेट हुए भाई। जिस जिसके पास जा रहे हैं वो भी तो वीडियो देखेगा ना, उसको बता रहे भाई यार हम मेहमानों की वजह से लेट हुए, वैसे लेट होने वाले हैं नहीं हम। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जो है तरंडा स्वाय खान पहुंच चुके हैं। यह है तरंडा स्वाय खान का व्यू और देख सकते हो यहाँ के लोग फ्रूट वगैरह बेच रहे हैं और यहाँ पे लोकल लोग। तो फ्रेंड ये वाली जो रोड है ये सीधा जाएगी हमेश भाई के घर, चक 45। तो फ्रेंड ये है शागढ़। शागढ़ शागढ़ एक अड्डा है, अड्डा यानी कि जहाँ पे छोटी मोटी दुकानें हैं। तो फ्रेंड ये है कबूतरों का, मतलब कबूतरों का खोके दो लेकर आए हैं। अब दोनों ने उड़ाए होंगे, जिसके खोके पे बैठ गए ना तो वो सारे के सारे उसको दे देगा, ऐसे इनकी शर्त लगी होती है। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है कबूतर का शौक रखते हैं, और पीछे जो चांद भाई बैठा है इनका भाई भी एक कबूतर का शौक है ना, बहुत सारे कबूतर घर पे रखे, बहुत महंगे महंगे। तो फ्रेंड वो वाले व्हाइट वाले बगले हैं, बगले पानी पर आते हैं। तो क्या आप लोगों ने ऐसे पहले देखे हैं बगले? तो फ्रेंड यहाँ पे रास्ता बिल्कुल खराब है, देख सकते हो एक तरफ गड्ढे 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 सड़क में देख सकते हो ना। तो फ्रेंड ये होती है भेड़े, और भेड़े चराने वाले देख सकते हो भेड़े। तो अब इधर दो सड़कें हैं सेम नाले की, एक ये एक वो, अब पता नहीं कौन सी है उनसे हम जाएं। तो फ्रेंड अभी हम लोग जो है हमेश भाई के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, अभी थोड़ा सा दूर उसका घर है। अभी हम ड्रोन उड़ाएंगे, देख सकते हो ड्रोन दिख रहा है, और इधर ये खड़ा हमारा ड्रोन अभी उड़ेगा थोड़ा पे। किधर गया बे? तो फ्रेंड उसकी ना गिम्बल रोटेट हो गई है और उसका ऑप्शन आ रहा है देख सकते हो।
तो फ्रेंड्स अब हम फिर से उड़ाएंगे, क्योंकि अभी जब उड़ा था ना तो इसकी गिम्बल रोटेट नहीं हो पाई। बस अब एक दो मिनट तक पहुंच जाएंगे उसके घर। इधर ना भेड़े चराने वाले बहुत मिलेंगे आप लोगों को, इधर देख सकते हो। इधर से जाना ऐसे हो, तो ये देख सकते हैं आगे है ना, ये खड्डा है ना, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हमेश भाई जी, राम राम जी। राम 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 राम, बिल्कुल ठीक है, बढ़िया। आप सुनाए भाई, आपका नाम? रत्नाराम। कैसे हो भाई? ठीक है। और सुनाए, भगवान की दया सब? हाँ हम बिल्कुल ठीक है, शुक्र है भगवान का। चांद भाई, अमर कपूर भाई और साथ हमारे साथ है वजीर भाई, हम तीनों जो है सिटी रहीमयार खान से आए। तो रात हमने बोला कि हम ना आपके पास 9 बजे पहुँच जाएंगे, तो अभी हम लोग करीबन 4 बजे आके पहुँचे हैं। बहुत लेट कर दिया भाई, से सॉरी भी करते हैं। और जी तो गए जी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं और भाई का घर विजिट कराते हैं। तो भाई आप करते क्या हो? बस यही मेहनत मजदूरी होगी जी, और तो कोई अपना जाति जी कारोबार तो है नहीं। ठीक है, आपका YouTube चैनल का नाम क्या है? हमेश कुमार व्लॉग। हमेश कुमार व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स इनके चैनल का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोगों ने विजिट जरूर करना है और भाई को फुल सपोर्ट करना है, क्योंकि ये विलेज लाइफ व्लॉग्स बनाते हैं और बहुत प्यार प्यार वीडियोज बनाते हैं। तो ये भाई का छोटा सा घर है। आप कितने बहन भाई हो? हम 5 भाई हैं जी। जी जी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये इनका छोटा सा घर है, देख सकते हो, बहुत ही प्यारा घर है। और अभी दिवाली की तैयारियां कैसे चल रही है? बस दिवाली की तैयारियां जो अभी हमने शुरू की है जी, और कोशिश करेंगे कि जो अभी घर को सजाना बाकी है। ये इनका छोटा सा हैंड पंप लगा हुआ है, नल का यानी कौड़ा पानी है, खारा पानी है, नजदीक पानी मीठा नहीं है, और ज्यादातर इधर जो है वाटर प्लांट, फिल्टर प्लांट। अच्छा अच्छा, प्लांट से पानी लेके आते हो। और आप लोगों का कोई काम ऐसे, कोई खेती वगैरह है? खेती बाड़ी का डॉक्टर आज जी। तो फ्रेंड्स इस तरफ बहुत सारी जमीन है और खेतों में मतलब घर बना रखे, ऐसे बस्ती है ये पूरा, पूरा हिंदू विलेज है जी। ये मुकम्मल यहाँ से 4 एकड़ का तकरीबन जो है हिंदू विलेज है, और ये जमीन जो है सरकारी है। सरकारी कॉलोनी है समझो के। तो फ्रेंड ये सारा का सारा आगे हिंदू विलेज है, वो आप लोगों को ड्रोन वाली क्लिप से आप लोगों को नजर आ जाएगा। तो इस साइड पे ये जमीन है, ये आप लोगों की या किसी और की? नहीं, हमारी जमीन जो ये है। अच्छा अच्छा जी। तो फिर भाई की जमीन ये छोटा सा है, मतलब ये घर के लिए लहसुन प्याज वगैरह, और बाकी ये जमीन और की है किसी और की। छोटे से एक हमारी जो है शॉप दुकान किराने की भी है, उनको विजिट कराते हैं। ये चटाई है, मतलब ये रल्ली है, रल्ली आप लोगों को इधर पंजाब के एरिया में हर घर में, हिंदू घर में मिलेगी मिलेगी जी। तो और इधर देख सकते हो ओम का साइन, ओम जी जी, श्री वाली माता और साथ साथ महादेव। और ये ऊपर कुछ बच्चों वगैरह के फोटो, बॉलीवुड ये हीरोइने हैं, सारे हीरोइने हैं, इसको बोलते हैं सपील। और सपील के ऊपर ना ये कढ़ाई वाली चादर आप लोगों को जरूर मिलेगी, ये इधर कॉमन है, मतलब इधर के लोगों का आप लोगों को हर घर में, हिंदू घर में तो ज़रूर मिलेगी। और ये तकिए के ऊपर भी ये देख सकते हो, ये कढ़ाई, कढ़ाई का काम जरूर करते हैं यहाँ पे, फीमेल जो होती हैं वो ज्यादातर ये कढ़ाई का काम करती है अपने फ्री दिनों में जो है ना। मतलब हिंदू लोगों के बहुत छोटे छोटे घर होते हैं, 1-2 रूम, तो फिर अलग से मंदिर नहीं बनाते, उसी में छोटा सा मतलब ऐसे साइड पे फोटोज वगैरह लगा ली और उसकी बस पूजा कर ली। बहुत ज्यादा ऐसे त्यौहार नहीं मनाए जाते, 5 ही त्यौहार सबसे ज्यादा मनाए जाते हैं, होली, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि और रक्षाबंधन, ये 5 जो है सबसे मेन है। श्राद्ध भी मनाते हैं, मतलब और छोटे मोटे रस्में होंगी, बात कड़वा चौथ हो गया और भी बहुत सारी चीजें हैं, नवरात्रि वगैरह ये सब नहीं होता इधर। फ्रेंड बहुत ही बढ़िया घर था यार, बहुत ही बढ़िया, दिल खुश हो गया देख के, हिंदू विलेज है पूरा पूरा। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हेलो बच्चे कैसे हो, नाम क्या आपका? आपका नाम क्या बच्चे? दिलीप। दिलीप आपका? गोविंदा। बहुत बढ़िया नाम है यार, सबके बहुत बढ़िया है। आप लोग बताओ आप लोगों को कैसा लगा हमेश भाई का घर? यार हमें तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो इनका घर बना हुआ सबसे ऊपर बना हुआ है, और अच्छी अच्छी हवा, ठंडी ठंडी हवा आ रही है हमें। मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर आकर ना बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी देसी लाइफ और खुली लाइफ बिल्कुल कमी मिलती है। हम लोग सिटी में रहते हैं, कितना जो है ना पॉल्यूशन वगैरह सारा कुछ होता है, लेकिन इधर जो खुली खुली हवाएं हैं और बहुत ही नेचुरल चीज है, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। ठीक है, ये देखिये ये माहौल जो, ये सब हिंदू भाई हमारे जी जी,
इनके नाम भी देखो कितने प्यारे नाम है जी बिल्कुल। इधर आने से हमें इतनी खुशी मिली है कि बेहद जी भाई का शुक्रिया अदा करते हैं जी भाई का सच में दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें इनवाइट किया और हमें बुलाया यार। हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे गाँव के घरों में जब जाते हैं ना तो ऐसे हवा खुली खुली और अभी जो मौसम चल रहा है ये मौसम भी बहुत प्यारा है, ना गर्मी है ना सर्दी है, बहुत प्यारा लग रहा है। भाई की शॉप पे और टाइम 5:05। ये आप लोगों का है? हाँ जी हाँ। तो फ्रेंड इधर ना तकरीबन घरों में ये भी मिलेगा आप लोगों को डोंकी। इन पे लोग अपने घास वगैरह लेके आते हैं और लकड़ी वगैरह जो भी हो बस थोड़ा बहुत सामान लाद के इस पे ले आते हैं। पीछे रेडी बांध देते हैं, रेडी खड़ी इस तरह से होती है रेडी। अभी भाई की शॉप पे चलते हैं और ये देख सकते हो शॉप है मेरे ख्याल में ये वाली। मतलब इधर ना गांव के लोग जो ज्यादातर ये छोटे से शॉप बना ले या खेती बाड़ी का काम कर ले और ज्यादा तो करते नहीं, पढ़े लिखे होते नहीं ना इतना ज्यादा। छोटी सी शॉप और इधर देख सकते हैं ना ये सामान वगैरह, ये शैशे शैम्पू के। अच्छा रोजगार है ना, गुजारा चल रहा है। चलो ठीक है, गुजारा भी बहुत है यार। शॉप वाले जो होते हैं ना उनका भी इधर पंजाब के एरियाज में सीजन होता है, जैसे कपास का सीजन हो गया और गेहूं का सीजन। कपास में कपास खरीदते हैं तो वो ज्यादा महंगी बिकती है, उसमें भी सीजन लग जाता है और गेहूं में भी सीजन लगता है। वरना ऐसे जैसे लोकल डेज में इतना इनमें शॉपकीपर से इतना कमाई नहीं होती। अभी फ्रेंड इन सब बच्चों के लिए हम टॉफीज लेंगे। आपका नाम क्या बच्चे? नाम नाम अदिल। आपका? दिलीप। आपका बच्चे? मनीषा। आपका? सुंदरी। सुंदरी। आपका बच्चे? कविता। कविता। आपका? आपका सपना। आपका? सविता। आपका? संध्या। आपका? गोविंदा। और ये आ गया अदील। तो फ्रेंड इधर ना कुछ कुछ बच्चों के नाम ऐसे भी होते हैं मुस्लिम वाले भी, ऐसी बात नहीं है। ये छोटा सा बच्चा है, नाम अदील है, पर ये मतलब हमारे हिंदू भाई का ही बच्चा है। जी हाँ हाँ हीरो, अपना नाम हीरो बता रहा है। गुड, हाथ दो। ओ गुड गुड, तुम्हारे लिए टॉफी टॉफी होगी। हाँ 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 और क्या खाओगे? चाय। हाँ ठीक ठीक, थाले वास्ते की हो वे? टॉफी हम लोग तभी खिलाएंगे जब आप लोग सभी पढ़ने जाओगे। जाओगे ना? ठीक है, कल से जाना। सभी जाओगे ना स्कूल? नहीं, आप जाते हो? तुम वैसे स्कूल जाते हो? अच्छा, तुम वैसे स्कूल कौन है सब? अच्छी थी आपके पैसे? थैंक यू भाई। जी जी बहुत मेहरबानी। जी जी ठीक है। यहाँ पे ये गधा रेडी पे कुछ महिलाएं जा रही हैं। ये वाले लोग होते हैं उन लोगों के जानवर, जैसे बड़े के जानवर भैंसे वगैरह, उनको पानी भी पिलाते हैं इसमें, इस चीज में पानी भी पिलाते हैं और भैंसे वगैरह इसमें नहाती भी हैं। ये आप लोगों को दुब्बा या छप्पड़, छप्पड़ पंजाबी में बोलते हैं, ये छप्पड़ आप लोगों को हर गाँव में मिलेगा। तो फ्रेंड ये देख सकते हो ट्रॉली ट्रैक्टर। फ्रेंड्स ये भाई ने इंतजाम किया हमारे लिए बैठने का, हमने तो रोका था यार खाना वगैरह हम लोग घर से खा के आए, पर भाई ने बना लिया। अब चलो मैंने कहा बना लिया तो फिर उनका दिल नहीं तोड़ेंगे। ओ भाई ओ, तो फ्रेंड्स फाइनली जो है खाना लेकर आ गए हमेश भाई। तो फ्रेंड्स फाइनली खाना आ चुका है, अब खाने को फिनिश करते हैं।
तो ये गाजर और आलू है, गाजर और आलू की सब्जी है। तो फ्रेंड्स हमेश भाई ने बहुत ज़्यादा सेवा की यार, खाना पीना कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ इतना फुल कर दिया ना, अब पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं है और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। टाइम अभी 6 हुआ लेकिन बाहर बिल्कुल रात हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं भाई के घर से और भाई को अलविदा कहते हैं। भाई कहाँ हैं? चलो ठीक भाई, राम राम, अपना ध्यान रखना और आप भी ज़रूर चक्कर लगाना हमारे। जी, आप भी भाई। जी, आप लोगों ने यार बहुत सेवा की, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स अभी हम चलते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। Bye bye friends.